यूपी के ललितपुर जिले में सोमवार की शाम लॉकडाउन के बीच एक जातिवादी गुंडे ने रंजिशन एक दलित युवक को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। जब वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुआ तो उसने घर को गिराने के लिए ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस बीच पीड़ित परिवार शोर मचाकर न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई बीच बचाव कराने सामने नहीं आया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी वो फरार है। ललितपुर जिले के पुराकला थाना क्षेत्र में आने वाले गांव गेवरा गुंदेरा के निवासी पीड़ित भगोने रजक और आरोपी रवि तिवारी के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। आरोप है कि भगोने सोमवार की शाम 4 बजे अपनी पत्नी के साथ घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। इसी दौरान रवि तिवारी आया और उसने जानबूझकर भगोने और उसकी पत्नी को जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दी। भगोने ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद आरोपी रवि तिवारी ट्रैक्टर ले आया और उसे कुचलने का प्रयास किया, साथ ही घर को भी गिराने की कोशिश की। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस ने उसे जल्द पकड़ने का दावा किया है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।